आज हम स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप भी स्पाइडरमैन मूवी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको मार्वल सिनेमैटिक से जुड़ी नई मूवीज का रहस्य सबसे पहले पता चल सके। चलिए बिना किसी देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर से होती है जो अपना फ्लैशबैक बता रहा होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम माइल्स मोरेलेस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी कूल लड़का होता है। माइल्स अपने घर से छुट्टियों में आया करता था क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है और यहाँ पर माइल्स के डैड जेफरसन को दिखाया जाता है जो एक पुलिस में काम करते हैं। जेफरसन को स्पाइडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं है और माइल्स को वो स्पाइडरमैन से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर माइल्स को स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन भी था। माइल्स की बातों से ऐसे ही लगता था कि भाई माइल्स अपने पुराने स्कूल में रहना उससे ज़्यादा अच्छा लगता था और वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है। आज माइल्स का नई क्लास में पहला दिन होता है। जैसे वो स्कूल पहुँचता है तो क्लास में उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की लड़की से होती है जो माइल्स की काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन जाती है पहले दिन ही। माइल्स अपने डैड जेफरसन के काफ़ी करीब नहीं था पर वो अपने चाचा एरन के काफ़ी करीब था। उसके जो चाचा एरन होते हैं वो एक छोटे मोटे चोर होते हैं और इसीलिए माइल्स के डैड उसे उसके चाचा एरन से काफ़ी ज़्यादा दूर रखते हैं। तब भी माइल्स फ्री टाइम निकाल के अपने चाचा एरन से मिलने चले जाता है। माइल्स वहाँ पर अपनी कॉपी में ड्राइंग कर रहा होता है जिसकी परमिशन माइल्स के डैड उसे बिल्कुल नहीं देते क्योंकि उनके हिसाब से माइल्स की ड्राइंग बेफालतू है और माइल्स को ड्राइंग नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे किताबों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर एरन माइल्स की ड्राइंग की काफ़ी ज़्यादा कदर करता है और उसे एक ऐसी जगह लेकर पहुँचता है जहाँ वो अपनी ड्राइंग खुल के कर सके और तभी माइल्स वहाँ पर अपनी ड्राइंग कर ही रहा होता है जितने में वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर भी आ जाता है। माइल्स अपनी ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर लेता है और एरन माइल्स की ड्राइंग की काफ़ी ज़्यादा कदर करता है और बताता है कि माइल्स एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उतने में वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स के हाथों पर चढ़ जाता है और माइल्स को काट लेता है और माइल्स उल्टा उसी स्पाइडर को मार देता है और फिर हॉस्टल जाकर सो जाता है। माइल्स के अंदर उस स्पाइडर का जहर फैल गया था जिससे माइल्स के अंदर अब चेंजेस आने शुरू हो गए और अगले दिन माइल्स के संग बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसी चीज़ें होने लगी थी जैसे दीवारों पर चिपकना, खतरे को पहले से ही भाप लेना और साथ में लंबी लंबी छलांगें लगाना जिससे माइल्स को समझ में आ जाता कि उसके अंदर हुआ वो स्पाइडरमैन जैसी पावर्स आ गई हैं जिससे माइल्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता कि उसे स्पाइडरमैन तो पसंद था पर वो उसके जैसे बनना नहीं चाहता था। और फिर माइल्स को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर स्पाइडरमैन जैसी पावर्स है या नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो वापस उसी जगह पर जाता है देखने के लिए कि वो स्पाइडर जिसने माइल्स को काटा है क्या वो रेडियो एक्टिव था हकीकत में। और जैसे ही माइल्स वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चल जाता है कि जिस स्पाइडर ने उसे काटा है वो हकीकत में रेडियो एक्टिव है पूरी तरीके से। और उसी जगह के नज़दीक एक कोलाइडर भी होता है। माइल्स जैसे उस कोलाइडर के पास पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ पर स्पाइडरमैन और साथ में ग्रीन गोब्लिन्स आपस में लड़ रहे होते हैं। पर बेचारा माइल्स इन दोनों की लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है पर स्पाइडरमैन किसी तरह माइल्स को बचा लेता है और स्पाइडरमैन माइल्स को देखते ही समझ जाते कि वो भी उसके पास ही सेम सुपर पावर्स हैं। स्पाइडरमैन माइल्स को माइल्स छोड़कर कोलाइडर को बंद करने के लिए चले जाता है पर तभी वहाँ पर प्लाउलर आकर स्पाइडरमैन से लड़ने लग जाता है और तभी वहाँ पर किम पिंग भी आ जाता है जो प्लाउलर और ग्रीन गोब्लिन का लीडर होता है। ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को कोलाइडर के बीच में डाल देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब मैं बता दूँ कि कोलाइडर आगे था किस चीज़ का। यह कोलाइडर एक डायमेंशन से किसी को दूसरे डायमेंशन भेजने के लिए या फिर किसी को दूसरे डायमेंशन से अपने डायमेंशन में लाने के लिए बनाया गया था। पर जैसे ग्रीन गोब्लिन ने इस चलते हुए कोलाइडर के बीच में स्पाइडरमैन को डाला उसी कारण 5 और स्पाइडरमैन अलग अलग डायमेंशन से इस माइल्स वाले डायमेंशन में पहुँच गए थे। माइल्स स्पाइडरमैन से वादा करता है कि वो इस कोलाइडर को बंद कर देगा और साथ में बर्बाद कर देगा और ये वादा करके माँ से चला जाता है और फिर किम पिंग वहाँ पर आकर स्पाइडरमैन को मार देता है और यह माइल्स दूर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। माइल्स वहाँ से भागता है और प्लाउलर माइल्स के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने माइल्स को भागते हुए देख लिया था। पर किसी तरह माइल्स प्लाउलर से बचते बचाते अपने घर पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही उसकी मुलाकात अपने मॉम डैड से होती है। माइल्स आज रात तो वहीं पर रुक जाता है और फिर माइल्स न्यूज़ पर स्पाइडरमैन की मौत की खबर देखता है
और फिर सबको पता चल जाता कि लोगों को बचाने वाला स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। पर ये किसी को नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन को मारने वाला किंगपिंग है। माइल्स स्पाइडरमैन की जगह लेने का फैसला करता है और वो सारी चीज़ें करता है जो स्पाइडरमैन ने अपनी ज़िंदगी में करी होती है। इसी दौरान माइल्स से स्पाइडरमैन का दिया हुआ पेन ड्राइव टूट जाता है और वो पेन ड्राइव भी कोलाइडर को बंद करने का मेन चीज़ थी, क्योंकि उस पेन ड्राइव के बिना कोलाइडर को बंद नहीं करा जा सकता और अगर कोलाइडर बंद नहीं होगा तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करा जा सकता। माइल्स स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की कब्र पर पहुंचता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और पीटर से माफ़ी मांगता है कि उसने उसका दिया हुआ पेन ड्राइव भी तोड़ दिया और साथ में वो स्पाइडरमैन बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। इसी बीच वहाँ पर एक और स्पाइडरमैन आता है जिसका नाम है पीटर बी पार्कर। फिर पीटर बी पार्कर अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके डायमेंशन में एक पोर्टल ओपन हो गया और वो उसी पोर्टल के कारण माइल्स के डायमेंशन में आ गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उस कोलाइडर में जैसे ग्रीन गोब्लिन ने स्पाइडरमैन को कोलाइडर में डाला तो उसके कारण पांच अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन यहाँ आ गए और ये पीटर बी पार्कर भी उन्हीं पांच स्पाइडरमैन में से एक था। तभी माइल्स पीटर को वहाँ से बचा कर किसी तरह अपने घर पर लेकर आता और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर प्लान बनाते हैं ये लोग कैंपिंग के ऑफिस में घुसेंगे और वहाँ से सारा डाटा एक नए पेन ड्राइव में स्टोर करके उस कोलाइडर को बंद कर देंगे और साथ में पीटर बी पार्कर कोलाइडर को बंद करने से पहले वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाएगा और माइल्स उससे स्पाइडरमैन बनने के तरीके जानने की कोशिश में लग जाता है। ये लोग कैंपिंग के ऑफिस में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर पता चलता है कि माइल्स के पास दो और नए सुपर पावर्स भी, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी इनविजिबल होने की, जिससे पीटर माइल्स को पेन ड्राइव में डाटा इंस्टॉल करने के लिए कहता है कंप्यूटर से और खुद एक लेडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उस लेडी को पता चल जाता है कि ये स्पाइडरमैन किसी और दूसरे डायमेंशन से आया है और ये यहाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। माइल्स पूरे का पूरा सीपी उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है और साथ में ये लेडी अपने असली रूप में आती है और इसका असली रूप होता है डॉक्टर ऑक्टेनियस और जिसे देखकर पीटर की तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर ऑक्टेनियस पीटर और माइल्स दोनों पर हमला कर देती है पर तब भी पीटर और माइल्स किसी तरह वहाँ से बच से बचाते बाहर आ जाते हैं पर डॉक्टर ऑक्टेनियस उन्हें पकड़े लेती है। तब वहाँ पर एक और स्पाइडरमैन आता है पर ये स्पाइडरमैन भी नहीं है तो स्पाइडर वूमैन है और इस स्पाइडर वूमैन का नाम ग्वेन होता है और ये ग्वेन माइल्स की क्लासमेट भी रह चुकी है। और फिर ग्वेन अपना फ्लैशबैक बता दी कि उसके वो अपने डायमेंशन में विलन से लड़ रही होती है, इतने में उसके डायमेंशन में पोर्टल खुल जाता है और वो उसी पोर्टल के जरिए या माइल्स के डायमेंशन में आ जाती है। फिर माइल्स ग्वेन और पीटर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें किंगपिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किंगपिंग अपने घर पर स्पाइडरमैन से लड़ रहा होता है। इतने में उसकी वाइफ और उसका बेटा ये सब देख लेते हैं और वो वहाँ से गाड़ी से भागकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें किंगपिंग की असली सच्चाई पता चल गई थी। किंगपिंग एक बहुत बड़ा गुंडा है और फिर जैसे ही वो गाड़ी से जा रहे होते उतने में उनकी गाड़ी को एक ट्रक उड़ा देता है और इसीलिए किंगपिंग अपनी वाइफ और बेटे को किसी दूसरे डायमेंशन से अपने डायमेंशन में लाना है कोलाइडर के ज़रिए। डॉक्टर ऑक्टेनियस ग्वेन से मार खाकर किंगपिंग के पास आती है और उसे बताती है कि उसका कोलाइडर काम कर रहा है और ये तीनों स्पाइडरमैन उसी कोलाइडर के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं पर उन्हें ये नहीं मालूम कि माइल्स पहले से इसी डायमेंशन का है, बस पीटर और ग्वेन अलग डायमेंशन से है। फिर ये तीनों माइल्स की दुनिया के असली स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की आंटी मे के घर पर पहुँचते हैं और वहाँ आंटी मे पीटर को देखकर ही पहचान जाती थी कि ये पीटर अलग डायमेंशन से है। माइल्स उन्हें पीटर का एक नया पेन ड्राइव बनाने के बारे में पूछता है कि पीटर ने पेन ड्राइव कहाँ से कैसे बनाया और हमें भी एक और पेन ड्राइव बनाना है, जिससे आंटी मे पीटर के जादुई पंकर में लेकर पहुँच जाती है जहाँ स्पाइडरमैन के बहुत सारे कॉस्ट्यूम भी थे वहाँ पर। और वहीं पर इन तीनों की मुलाकात तीन और स्पाइडरमैन से होती हैं जो अलग अलग डायमेंशन से आए होते हैं। इनमें से एक का नाम है पीटर पार्कर जिसे मैं ब्लैक पीटर पार्कर बुलाऊंगा, एक है पैकी पार्कर और एक है स्पाइडर पिक। और फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि इन्हें कोलाइडर के जरिए वापस अपने डायमेंशन में जाना होगा पर कोलाइडर को बंद करने के लिए किसी एक स्पाइडरमैन को यहाँ पर रुकना होगा और जो भी स्पाइडरमैन यहाँ पर रुकेगा वो मारा जाएगा। माइल्स अपने कोलाइडर को बंद करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है कि उसने पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन से वादा कर रखा था कि वो कोलाइडर को बंद करेगा, एक तरीके से भी कह सकते हो कोलाइडर को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर माइल्स के पास पावर तो थी
पर माइल्स को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है लड़ने का ना इन पावर्स को इस्तेमाल करने का, इसलिए बाकी सब माइल्स के खिलाफ होते हैं। और इसी दुख के कारण माइल्स वहाँ से चले जाते हैं पांचों स्पाइडरमैन को वहाँ पर छोड़कर। फिर माइल्स वहाँ से निकलकर सीधा अपने चाचा एरन के घर पर पहुँचता है और वहाँ पर ही उसी वक्त प्लॉलर भी आ जाता है। प्लॉलर माइल्स को देख नहीं पाता क्योंकि माइल्स इनविजिबल हो चुका था। और फिर प्लॉलर जैसे अपने नकाब उतारता है तो पता चलता है कि प्लॉलर के नकाब के पीछे और कोई नहीं बल्कि एरन है। और माइल्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। एरन भी माइल्स के पीछे पड़ जाता है, पर एरन ये नहीं जानता था कि भाई ये स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि उसका भतीजा माइल्स है। और अब एरन माइल्स को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुका होता है। बाकी सभी स्पाइडरमैन उस पेंटैग को तैयार कर लेते हैं और माइल्स उन्हीं सभी स्पाइडरमैन के पास पहुँचता है और बताता है कि उसके चाचा एरन ही प्लॉलर है, जिससे बाकी सभी स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर माइल्स का पीछा करते हुए विलन्स भी पहुँच जाते हैं। फिर विलन्स और स्पाइडर टीम के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें प्लॉलर माइल्स को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। माइल्स अपना चेहरे से नकाब को उतार देता है, जिससे एरन माइल्स को स्पाइडरमैन के रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और अब माइल्स एरन का भतीजा था तो वो एरन माइल्स को मारना नहीं चाहता था, इसलिए एरन माइल्स को वहाँ से छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। इतने में किम पिंग एरन को ही गोली से मार देता है। मरने से पहले माइल्स एरन के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसे माइल्स को ये लगता था कि उसके चाचा एरन की मौत उसकी वजह से हुई, पर एरन माइल्स को माँ कुछ भी नहीं कहते और बस माइल्स को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और माइल्स और एरन के बीच थोड़ी और बातचीत होती है, उसके बाद एरन मर जाता है। उसी वक्त माइल्स के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और माइल्स अपनी पावर्स की मदद से वहाँ से भाग जाता है। और फिर माइल्स के डैड एरन की मौत देखकर ये समझ जाते हैं कि नया स्पाइडरमैन ही उसके भाई एरन की मौत का जिम्मेदार है। माइल्स अपने हॉस्टल वाले घर पर पहुँचता है और तभी वहाँ पर बाकी स्पाइडरमैन भी आ जाते हैं। फिर वो सभी स्पाइडरमैन बताते हैं कि उन्होंने भी किसी न किसी अपने को खोया है और आगे बढ़े हैं। और फिर पीटर माइल्स को वेब से बांध देता है एक चेयर पर और फिर वहाँ से माइल्स को बताता है कि वो यहाँ रुक रहा है और बाकी सभी स्पाइडरमैन वापस अपने घर पर जा रहे हैं। फिर पीटर और बाकी सभी स्पाइडरमैन वहाँ से चले जाते हैं। और रही बात माइल्स की पास, तो माइल्स अपने हॉस्टल वाले रूम में ही बंधा हुआ होता है वेब से। तभी माइल्स के डैड वहाँ पर आते हैं माइल्स से बातचीत करने के लिए, पर उन्हें लगता है कि माइल्स अपने रूम में है ही नहीं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। फिर माइल्स अपनी पावर्स को काबू में कर लेता है और फिर वहाँ से निकल कर सीधा आंटी मे के पास पहुँचता है और उनसे स्पाइडरमैन के वेब सूटर्स लेता है और साथ में अपने लिए नया स्पाइडर सूट भी बनाता है। और फिर वो बाकी सभी स्पाइडरमैन के पास जाने लग जाता है क्योंकि बाकी माइल्स जानता है कि बाकी सभी स्पाइडरमैन किम पिंग के कोलाइडर के पास गए हैं, तो वो भी उन्हीं सभी स्पाइडरमैन के पास पहुँच रहा होता है। और बाकी सभी स्पाइडरमैन किम पिंग के कोलाइडर के पास पहुँच जाते हैं। फिर किम पिंग पूरी दुनिया का ध्यान अपने कोलाइडर से हटाने के लिए स्पाइडरमैन की याद में एक पार्टी रखता है और वहाँ पर सभी लोग स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में घूम रहे होते हैं। और ये सभी स्पाइडरमैन भी उसी स्पाइडर कॉस्ट्यूम का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और किम पिंग उसी बिल्डिंग के नीचे अपने कोलाइडर को टेस्ट करने वाला होता है फिर से। किम पिंग कोलाइडर को एक्टिवेट करवाता है और किम पिंग के साथ ही किम पिंग को बताते हैं कि कोलाइडर एक्टिवेट करने से ये पूरा डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा, पर किम पिंग उनकी बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती कोलाइडर को एक्टिवेट करवा देता है। बाकी सभी स्पाइडरमैन भी कोलाइडर के पास आ जाते हैं और साथ में सभी विलन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और स्पाइडर टीम और विलन्स के बीच एक तगड़ी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी माइल्स भी आकर उन सभी स्पाइडरमैन का साथ देते हैं और ये सभी स्पाइडरमैन मिलके उन सभी विलन्स को हरा देते हैं। फिर माइल्स एक एक करके उन सभी स्पाइडरमैन को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है और फिर किम पिंग से लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। किम पिंग और माइल्स का आमना सामना होता है जिसमें माइल्स जल्दी हारने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर माइल्स के डैड आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि असली विलन स्पाइडरमैन नहीं बल्कि किम पिंग है और वो वहाँ पर माइल्स का हौसला बढ़ाते हैं। तभी माइल्स किम पिंग का एक जोरदार बिजली का झटका देता है जिससे किम पिंग सीधा पेंटैप वाली जगह पर लगता है और जिससे पूरा कोलाइडर रूम ही ब्लास्ट हो जाता है। माइल्स अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि माइल्स के डैड को माइल्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। फिर माइल्स अपने स्पाइडर
मैन वाले रूप में अपने डैड के सामने आता है, पर वो उन्हें अपनी असलियत बिल्कुल नहीं बताता। उसके बाद माइल्स किम पिंग और उसके सभी आदमियों को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर माइल्स स्पाइडरमैन का फर्स्ट ने अच्छी तरीके से निभाने निकल पड़ता है। फिर हमें माइल्स को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आराम कर रहा है। उसी वक्त माइल्स से मिलने गुएन भी आती है। फिर इसी के संग इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां हम मिगेल नोहारा नाम के एक स्पाइडरमैन को देखते हैं जो अलग डायमेंशन से है। उसे पता चला है कि माइल्स ने जब से मिगेल किम्पिंग का कोलाइडर उड़ाया है तब से हर एक डायमेंशन में एक पोर्टल ओपन हो गया, जिससे कोई भी बंदा अपने डायमेंशन को छोड़कर दूसरे के डायमेंशन में पहुंच गया और इसी कारण मल्टीवर्स ख़राब हो रहा है। मिगेल को जैसे ही सारी बातें पता चली तो मिगेल उन सभी लोगों को वापस उनके डायमेंशन में पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और साथ में मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए एक वॉच बनाता है। और वो जानता था कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो एक स्पाइडर सोसाइटी बनाता है और अपनी स्पाइडर सोसाइटी के लिए अलग अलग डायमेंशन में जाकर अलग अलग स्पाइडरमैन को अपनी टीम में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इसी के संग ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे की कहानी हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाई जाएगी। अगर आज ऑलराइट गाइस, आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन दबाओ। और आपको फ्यूचर में और भी नई वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहो। आज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।